तो हमारे पास है दो बर्गर बंस, थोड़ी सी सॉसेस, मैक एंड चीज़ पास्ता, और हम एक और चीज़ यूज़ करने वाले हैं विच इज़ मकेन, ठीक है। तो आई फाउंड अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग वी कैन डू। सबसे पहले तो आप अपने लिए एक बर्गर बन निकाल लो एंड कट द नीचे वाला बहुत पतला एंड ऊपर का थोड़ा सा बड़ा रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें इसको पूरा खाली कर देना है। ये बची हुई ब्रेड का हम ब्रेड क्रम्स वगैरह भी बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बाय द वे, क्या कभी आपने कोई मतलब बर्ड वगैरह पाला है? एक बार क्या हुआ था, मतलब मेरे छत पे ना देयर वाज दिस पिजन, ओके, और उसके पास और वो ना बहुत देर से सेम ही जगह पे था। तो मैं और मेरे फ्रेंड्स बहुत कंफ्यूज थे कि यार वो हिल क्यों नहीं रहा, ये वो। एंड जब हम उसके पास गए ना, तो हमें पता चला कि दैट पिजन वॉज बहुत गंदी तरह इंजर्ड, मतलब किसी ने उसको मारा होगा या ईगल वीगल ने मारा होगा, एंड उसका खून आ रहा था, ठीक है। और माइंड यू, तब मैं ना कुछ 6-7 साल की बच्ची थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मम्मा पापा भी घर पे नहीं थे, दोनों ऑफिस जाते थे। तो मैं और मेरे फ्रेंड ने डिसाइड करा कि हम उसका ख्याल रखेंगे। तो हमें कपड़ा लेके आए घर से और हमने उसको पूरा बांध दिया उस कपड़े से। फिर हमें समझ नहीं आ रहा था कि उसको खाना कैसे खिलाएं। सो वॉट वी डिड ना, हमने एक लीफ लिया और हम थोड़े से दाल और चावल के दाने वगैरह ऊपर लेके गए और पानी भी लेके गए थे। तो उस लीफ में हमने ऐसा एक बाउल का नहीं, ऐसा क्या स्पून काइंड ऑफ बनाया, और वी टुक थोड़ा सा चावल एंड थोड़ा सा पानी एंड वी ट्राई टू फीड द पिजन, ठीक है। और फिर हमने ये कुछ 2-3 घंटे के लिए करा होगा, बट उसके बाद वॉट हैपन्ड, द पिजन डाइड, ठीक है। और मैं और मेरी फ्रेंड बहुत ज़्यादा सैड हो गए। फिर हम सोचे कि अब क्या करें। तो व्हाट वी डिड, वी रैप्ड द एंटायर पिजन, जो कपड़ा हमने पहले यूज़ करा था उससे पूरा उसको रैप कर दिया। और हमारे ना घर के बहुत पास में एक बीच है, तो मतलब हम वहाँ गए, साइकिल पे गए, और हाँ वहाँ बीच के कोने में वो पिजन को दफना दिया मिट्टी के नीचे, और वहाँ बैठे रहे आधा घंटा, फिर हम वापस आ गए। और मैंने और मेरी फ्रेंड ने ये स्टोरी आज तक किसी को भी नहीं बताई, तो यू गाइस आर द फर्स्ट पीपल हु आर फाइंडिंग आउट अबाउट दिस। एनीवेज, तो हम ये मैगी का जो पास्ता है ये कोकोने का वेट करेंगे। तब तक के लिए ना लेट्स टेक सम बटर, ये मैंने थोड़ी देर बाहर रखा था ताकि हल्का रूम टेम्परेचर पर आ जाए। इसको तवे पे डाल दो और अच्छे से स्प्रेड कर देंगे बटर को। फिर आपके जो नीचे वाले बंस थे वो ऐसे रख दो एंड जो ऊपर वाले बंस थे वो ऐसे उल्टा रख दो। तो ये हमारे हल्के हल्के क्रिस्पी हो गए हैं, ठीक है। अब इसको साइड पे रख देते हैं। एंड दिस इज़ आल्सो ऑलमोस्ट डन, हमारा पास्ता पूरी तरह कुक हो चुका है। एंड थर्ड इज़ ऑयल, मैं एकदम भूल ही गई थी, बट मैंने सोचा कि टिक्की की जगह बर्गर में हम डालेंगे ये पुदीना चटका, और आई लाइक दिस मच बेटर देन द नॉर्मल स्माइलीज, नॉट इवन किडिंग। डू यू गाइस आल्सो फील दैट दीज स्माइलीज आर क्रीपी, या सिर्फ मैं हूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। ओके, तो हमारे स्माइलीज हो गए, अब असेंबली की तरफ चलते हैं, चलो। तो हमारी मैक एंड चीज़ तो कंप्लीट नहीं होगी जब तक हम उसमें ढेर सारा चीज़ नहीं डालते। वी ऐड थोड़ा सा सॉस ऑन बोथ द बर्गर्स, उसके बाद दो स्माइलीज दोनों पे रख दो, ओके। और अब हम इन स्माइलीज का सत्यानाश करने वाले हैं और इसको पूरा मैश करने वाले हैं। उदास हो जा स्माइली, उदास हो जा, यू डोंट हैव द राइट्स टू बी हैप्पी। सॉरी फॉर द लेम जोक्स, बट क्या करूँ, मैं आदत से मजबूर हूँ। सो आर स्माइलीज हैव बीन ऑफिशियली ब्रोकन डाउन इनटू आलू, और एक एक स्माइली ऐसे ही रख देते, ठीक है। ओके, सो द नेक्स्ट स्टेप इज दोनों बंस ऐसे रख दो और फिर उस पर एक ऐसा पिन लगा दो, क्योंकि नहीं तो ये सीधा नहीं रहेगा। एंड नाउ इट इज़ टाइम टू फिल द बाउल विद दिस मस्त चीज़ी पास्ता, ठीक है। सो इसको अच्छे से फिल कर दो, दूसरा वाला भी फिल कर देना, सिर्फ एक में मत डालना। ओके, देखो योर मैक एंड चीज़ कप बर्गर इज़ रेडी। वैसे आप चाहो इसके ऊपर थोड़ा और चीज़ डाल के बेक कर सकते हो, बट मुझे ये ऐसे ही बहुत मस्त लग रहा था, ऐसे ही खाएंगे, ठीक है। आई हैव एन अदर थिंग जो आप लोग इससे कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको किसी को सरप्राइज करना है ना, तो ऐसे मत सर्व करो, सर्व द बर्गर लाइक दिस, ठीक है। उनको नहीं पता चलेगा कि इसके अंदर क्या है, राइट व्हेन दे बाइट इनटू इट मस्त सा सरप्राइज आएगा, और इतना अच्छा फ्लेवर, मतलब सोचो हु वुड हैव एक्सपेक्टेड कि बर्गर बन के अंदर दे वोंट बी इतना ज़्यादा ब्रेड एंड इट विल बी फिल्ड विद मैक एंड चीज़।
ओके, तो इस वीडियो का शॉर्ट आउट नैना जैन को जाता है। आप लोग को भी शॉर्ट आउट चाहिए तो वीडियो लाइक कर दो एंड कमेंट डन जितनी बार भी कर सकते हो। सी यू लेटर एलिगेटर।